आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान शीतला पिजन्स छबड़ा में आपका इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। ना तो ये शौक़ की वीडियो है, ना ये सेल की वीडियो है, ये एक इलाज की वीडियो है। ये हमारे भाई हैं साजिद भाई, इनका ये कबूतर का पट्टा है। साजिद भाई, क्या हो गया इसके? इसके पेटे पे गिठान हो गई। देखिए जनाब, जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की गिठान हो गई और ये अंदर तक है। इसका जो पेठा होता है या पोट बोलते हैं उसमें, तो यहाँ के हमने बाल इसके पर हटा दिए हैं इसके अंदर। और जहाँ तक कोशिश करेंगे इसके पूरे बाल हटा के हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे और इसकी गिठान निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ज़रूरी आइटम हमारे पास हैं, ये सर्जिकल ब्लेड है, और बाद में जो टांका लगाते हैं उसके लिए हमारे पास ये सर्जिकल नीडल भी है, और ये सर्जिकल आइटम भी हमने पूरे रख रखे हैं। ये किडनी ट्रे है, इसमें इसका वेस्ट मटेरियल रख रहे हैं। और इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास कॉटन भी है, स्पिरिट भी है, बेटाडीन भी है। तो अब हम ये शुरू करेंगे इसका कट लगा के, इसकी छोटी सी सर्जरी करेंगे। आप भाइयों से दुआ है कि इसकी शिफा के लिए दुआ करें, दरख्वास्त है आपसे कि इसकी शिफा के लिए दुआ करें। साजिद भाई, शुरू करें। हाँ लीजिए दोस्तों, ये हमने सर्जिकल ब्लेड निकाल लिए, अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ दो ही जने हैं, तीसरा कोई और नहीं है हमारे पास जो मोबाइल को पकड़ सके और वीडियो बनवा सके। तो मैं ये वीडियो बनाना शुरू करूँगा छोटे छोटे बीच बीच हिस्सों में, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो इसका जो पूरा ऑपरेशन होने के बाद आपको गिठान दिखाएंगे कितनी बड़ी है। लीजिए दोस्तों, देखिए ये इसके हमने यहाँ पे इस सर्जिकल ब्लेड से चीरा लगा दिया है, ठीक है। और पकड़ना भाई से इसे, ये इस जगह चीरा लगाने के बाद ये अंदर से जो ये देखिए ये कुछ मटेरियल दिखेगा आपको, इसको हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा एक ही बार में निकल जाए। दबा के नहीं निकालेंगे, बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि कबूतर भी ज़िंदा रहे और ये सही भी हो जाए। देखिए दोस्तों, ये इसके कट लगाया है हमने, और ये जो इसकी गिठान है अंदर इस तरफ और इस तरफ, ये अभी फ़िलहाल गोश्त से चिपकी हुई है, ये पकी हुई गिठान नहीं थी। अंदर की तरफ से तो ये चिपक नहीं रही, लेकिन ये इस तरफ से ये खाल से चिपक रही है। तो अब हम इसमें यहाँ पे कट लगा के धीरे धीरे ये इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं गिठान के, ये निकाल रहे हैं। तो आप सब दुआ करना कि कबूतर सही हो जाए, हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। देखिए दोस्तों, इसमें से जो पार्टिकल्स थे वो तो हमने निकाल लिए हैं, अब कुछ ये यहाँ पर बचा हुआ है जो खाल से चिपक रहा है, और कुछ ये यहाँ से बचा हुआ है जो खाल से चिपक रहा है। तो इसके लिए हम इसकी दवा चलाएँगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिलहाल तो अभी हम इसके टांके लगा रहे हैं, ये हमने जो सर्जिकल नीडल होती है उसके अंदर डोरा डाल लिया है, और ये जो आर्टरी फोर्सेप्स होता है इससे हम टांके लगाएंगे इसकी। हमने पूरा इसका ध्यान रखा है कि इसके कोई इन्फेक्शन हमारी तरफ से ना हो, और जो प्रोसीजर वाला तरीका होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इंसानों के इंस्ट्रूमेंट और तरीका प्रोसीजर होता है उसी तरह से हमने करा है। अब इसके हम टांके लगाएंगे, फिर टांके लगा के आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी सर्जरी करी थी, सर्जरी करने के बाद जो इसका मटेरियल निकला था वो ये था, और ये इस तरह के हमने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे थे, ये पूरा सर्जिकल आइटम, और ये इस तरह से इसके टांके लगा दिए हमने। टोटल हमने 60 टांके लगाए छोटे छोटे, ताकि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आए, ब्लड भी बाहर नहीं आए और कोई चीज़ अंदर भी नहीं जा सके। लीजिए दोस्तों, इस कबूतर की सर्जरी हमने कंप्लीट कर दी है, और इसके टांके भी लगा दिए, और माशाल्लाह ये ज़िंदा भी है। हमारी कोशिश यही थी कि बस ये इसकी सर्जरी होते में मर नहीं जाए। पकड़ना भाई से अच्छी तरह, कोई बात नहीं, साफ़ कर देंगे। तो भाई बताइए, कैसा रहा ये सर्जरी का मामला? एक नंबर रहा। कबूतर को कोई तकलीफ? कुछ भी तकलीफ नहीं। चलिए ठीक है, हम इसकी ज़िंदगी की दुआ करेंगे और सभी भाइयों से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। ठीक है भाई, आपका भी शुक्रिया। ठीक है।